और कोई कोई की जनता सिकरिया खादी रामगढ़ रांची पटना दिल्ली मुंबई जहां जहां से भी लोग आए हैं सबों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक पल में आप लोग आए और इस पल की गरिमा को आप लोगों ने बढ़ाया है। मैं बहुत छोटे में अपनी बात रखूंगा, इस बात को शुरू करने से पहले मैं दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति बोलूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा अब निकलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़े जनों, आज वो गंगा निकल गई है जिसका नाम राजनीतिक चेतना दल है। ये चेतना, ये राजनीतिक चेतना ही नहीं, सामाजिक चेतना, हर चेतना को जगाने के लिए इस दल का उद्घाटन किया गया है। एक बात आप लोगों से पूछता हूँ और आप लोगों को बताता भी हूँ, आज तक तो बिहार में कई पार्टियां बनी, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, लेकिन अगर उत्तर बिहार को छोड़ दें तो मगध रीजन में और दक्षिण बिहार में ये पहली पार्टी किसी ने बनाया है, पहली बार किसी ने इतना बड़ा सपना देखा है, किसी ने अपनी क्षमता, अपने सपने को इतना बड़ा आकार दिया कि उसने एक पार्टी बना दी है। मैं कहता हूँ दोस्त कि ये एक साधारण बात नहीं, ये एक ऐतिहासिक पल है। कई लोगों के लिए ये जुनून है, कई लोगों के लिए पागलपन है, कई लोग हंसेंगे भी इस बात को, इसे देखो इसने एक अपनी पार्टी ही बना दी, क्योंकि लोगों को अपने सपनों पर विश्वास नहीं होता है, लोगों को लगता है कि पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर प्रसाद ने आप लोगों के सामने ये करके दिखाया कि गोविंदपुर खाली सिकरिया में जन्मा हुआ बेटा एक पार्टी बना सकता है, और आप लोगों को एक सशक्त ये नेता दे सकते हैं, लीडरशिप ये दे सकते हैं। आज तक हम लोगों ने दूसरी पार्टी का झंडा खोया, हर कभी आप इस पार्टी का, कभी इस पार्टी के बैनर के तले आप लोगों ने अपनी राजनीतिक भूमिका अदा की है। मैं कहता हूँ ये पार्टी आज हमारे गांव की पार्टी है और ये पार्टी राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाने की इसमें क्षमता है, और मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग सारे लोग आए और इसमें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दें। एक लास्ट में बोलूंगा कि हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो इन्होंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है मेरे दोस्तों, सारा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण को मैं विराम देता हूँ और फिर से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा प्रोफेसर प्रसाद साहब कि आपने इतना बड़ा एक सपना देखा, एक पार्टी कहीं आपने उद्घाटन कर दिया, और हम लोग सारे लोग चट्टान की तरह इस पार्टी के साथ और आपके साथ सदैव खड़ा रहेंगे। मेरे दोस्तों कहें राजनीतिक चेतना दल, राजनीतिक चेतना दल। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को प्राप्त करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को प्राप्त करते हैं, और प्रोफेसर प्रसाद आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमको।